पूरी दुनिया को बता दूंगा कि प्रीता पृथ्वी मल्होत्रा के बच्चे की मां बनने वाली है। पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं। ये बच्चा करण और मेरा है। बस कर, तू नहीं रोएगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। ये पागल इंसान कुछ भी बोल के गया और हम उस पे विश्वास करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हमें तेरे पे पूरा विश्वास है, तेरे चरित्र पे शक हमें हो ही नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि तू और करण एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तुझ पे पूरा भरोसा है, विश्वास है तुझ पे। मुझे भरोसा है, तुझे भरोसा है, हम सबको भरोसा है, लेकिन पृथ्वी एक शैतान है, शैतान। वो प्रीता का नाम खराब करेगा, उसका मुंह कौन बंद करेगा? उसका मुंह बंद करने की क्या जरूरत है मॉम? हम सब जानते हैं कि बच्चा करण का है, बस हमारे लिए यही काफी है। और पृथ्वी, उसकी हिम्मत देखिए, यहाँ इस घर में आ गया हम सबके सामने, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है वो कि ये बच्चा उसका है। मुंह बंद करना पड़ेगा मॉम, उस घटिया आदमी का मुंह बंद करना पड़ेगा। आज उसने अपनी गंदी जबान खोली है, भाभी को इतना हर्ट हुआ है, आज उसने घर में जबान खोली है, कल बाहर जाके जबान खोलेगा मॉम। और जब बाहर जबान खोलेगा ना, तो दुनिया भर के लोग भाभी पे सवाल उठाएंगे। उसका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है मामा। हम करेंगे उसका मुंह बंद, सबका मुंह बंद करेंगे। रस्मों से, रीति रिवाजों से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि प्रीता की तरफ आंख उठाकर देख सके। पृथ्वी कभी नहीं कह पाएगा ये बच्चा उसका है। माँ, आप जसप्रीत और नवजोत को जानती हैं? तू चादर चढ़ाने की बात कर रहे हैं ना? मैं भी यही सोच रही थी, जब कोई लड़की जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो लोगों का सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। वो क्या करती है, क्या नहीं करती, किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती, ये देखने लगते हैं। उनकी सोच ही बदल जाती है और फिर लड़की पे इल्जाम लगाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि प्रीता पे कोई इल्जाम लगे। मम्मी जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आप जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, हमें प्रीता पे चद्दर चढ़ानी होगी, वरना ये दुनिया वाले ये समाज पत्थर मारते रहेंगे और जख्म कभी भरेंगे नहीं। एक औरत के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक औरत जब जवानी में विधवा हो जाती है, उस पे माँ बनने वाली होती है, तो लोगों का मुंह बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे बहुत सारे पृथ्वी आके सामने खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलने, इतना बड़ा इल्जाम लगाने। मुझे लगता है हमें समाज के हिसाब से चलना होगा और समाज का मुंह बंद करना ही होगा हमें। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ऋषभ। हाँ तो डैड बोलो ना कि क्या चाहिए। मैं कहाँ बैकआउट कर रहा हूँ, आप मुझे बोलिए कि क्या मेरी मदद कहाँ चाहिए आपको, मैं हूँ यहाँ पे। ये चादर चढ़ाना, ये क्या होता है? क्या है, क्या इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज दिस चादर? प्रीता, इसके लिए हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब कोई लड़की जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो घर का कोई कुंवारा लड़का उससे शादी कर लेता है, उसे चादर चढ़ाना कहते हैं। दादू आप गेस? ऋषभ कुंवारा नहीं है, लेकिन हम उसकी दूसरी शादी करने की सोच ही रहे हैं। ऋषभ, तुम्हें प्रीता से शादी करनी होगी। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? और ये समय देखो यार, आप लोग क्या कर क्या रहे समय हो? देखे, ये माहौल देख रहे हो तुम? ये दोबारा चाहते हो तुम? पर इस बच्चे को नाम कौन देगा? उस बच्चे को प्यार कौन देगा? उसका अधिकार है कि नहीं? आप लोग मेरी बात को किए। प्रीता, ये आपकी वजह से हो रहा है, ये कोई तरीका है बात करने का?
आप लोग मेरी बात, पिताजी आप गलत नहीं कह रहे। ऋषभ भैया, पिताजी पिताजी दरवाजा खोलो, जी दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। अरे दादू, ये दरवाजा ही नहीं खुल रहा। प्रीता देखो करण, मुझे तुमसे अलग करने की बात कर रहे। प्रीता कभी करण से अलग नहीं हो सकती। प्रीता दरवाजा खोल, प्रीता अंदर कुछ कर न ले, वैसे ही टूटी हुई है वो। माँ प्रीता हमारी बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं करेगी। प्रीता बेटा दरवाजा खोलो बेटा। ये सब लोग, सब कुछ आप लोगों की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत है आप लोगों को सजेस्ट करने की, क्या शादी कर लो? ये कोई टाइम है, ये कोई जगह? उनकी हालत देखो, आप लोगों को समझ नहीं आता आप लोग क्या कर रहे हो। पुत्र यही सही टाइम है, यही टाइम पे बोला जाता है। प्लीज दादू आप लोग चुप हो जाओ, प्लीज फॉर हेवन्स सेक आप लोग चुप हो जाओ यार। अच्छा पहले उसे बोल, देख प्रीता कुछ करना नहीं, प्लीज बच्चे का ख्याल रखना पुत्र। नहीं नहीं, इस बच्चे को कुछ भी करने का कोई हक नहीं तुम्हें। प्रीता प्लीज दरवाजा खोलो। मिनट, आप लोग पीछे जाओ, आप लोग एकदम पीछे जाओ, एक सेकंड आप लोग पीछे जाओ। समीर आ जा, दरवाजा तोड़। प्रीता जी, दी, 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 श्रुति, मुझे करण से अलग कर रहे। कोई नहीं करना थी, कोई नहीं, मैं करण से अलग नहीं हो सकती। कोई अलग नहीं करेगा करण से, I promise you, मैं आपको करण से अलग होने ही नहीं दूंगा। कोई कोई नहीं करेगा आपको। आप करण के साथ रहना चाहती हैं ना? आपको करण से ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। आप हमेशा करण के साथ रहिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई भी नहीं। पिताजी यहाँ पर सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड देम। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किसने कहा था वहां जाने के लिए? मैं तुम्हें रोकती रह गई, कि चिल्लाती रह गई कि पृथ्वी मत जाओ, रुक जाओ, सुन जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया। जाके क्या कहा तुमने उधर? कि पिता के कोख में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, उन्हें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, हर एक चीज। तुम भी मुंह उठा के चले गए, अपने आप को हीरो समझते हो क्या? अरे अगर उन्होंने तुम्हें अरेस्ट करवा दिया तो? किस खुशी में? किसी पे इल्जाम लगाओ तो इंसान अरेस्ट हो जाएगा क्या? मैं जानता हूं मैंने प्रीता पे इल्जाम लगाया कि उसकी कोख में जो बच्चा है वो मेरा है, तो मैं ये भी जानता हूं कि लूथराज में से कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, पर मैं ये भी जानता हूं कि मैंने लूथरा हाउस में जो जहर उगला है ना, उसका थोड़ा सा कहर तो उन पे बरसा ही होगा। अरे अगर तुम भी वहां होते ना, तुम देखती, वहां मनुष्यत फैली हुई थी, सबके चेहरे उतरे हुए थे, लटके हुए थे, सब रो रहे थे बेचारे। वो प्रीता अपने आप को बहुत शेरनी समझती है ना, ऐसे लग रहा था जिंदा लाश खड़ी है मेरे सामने। शरीर तो था उसका पर अंदर आत्मा ही नहीं थी। वो ऋषभ, उसको भी देखना चाहिए था, टोटली टॉर्चर्ड बेचारा। आई फेल्ट सो सैड फॉर हिम। उसे ना अपने दिल के खिलाफ जाकर अपने दिल को मनाना होगा, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो उठानी है उसे। तो तुम टेंशन मत लो, होगा वैसा ही जैसा मैं चाहूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, और स्पेशली जैसा तुम चाहते हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सब कुछ उल्टा हो चुका है। लूथराज के पास हर एक चीज का तोड़ है, वो ऋषभ और प्रीता की शादी करा देंगे। What nonsense! ऋषभ और प्रीता की शादी कैसे हो सकती है? अरे उसको, प्रीता को देखना चाहिए था, वो जिंदा लाश बन चुकी है, किसी से शादी कैसे करेगी? वो भी ऋषभ से कभी नहीं करेगी, वो रो रो के कुछ भी बोल रही। करेगी, ऋषभ से शादी जरूर करेगी अपने बच्चे के लिए। प्रीता ना अपने स्वर्गवासी पति यानी करण से खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो रो रो के मर जाएगी लेकिन ऋषभ से शादी कभी नहीं करेगी। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर दो हमेशा हमेशा के लिए, ओके? करती थी लेकिन अब वो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करती है, और अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो ऋषभ से शादी करना ही क्यों ना हो।
अब अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना तो ये जो बॉटल है ना मैं जमीन पर नहीं तुम्हारे सिर पे फोड़ दूंगा। देखो ऐसा स्मार्ट समझता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे अंधेरे लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे बस है जो लगता है दूर के माना दिल दाही मेरा है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर नारो, बस खुद पे इतना अत्याचार मत कर पुत्र, बस कर। खोया है जो मिल जाएगा उससे एक बात पूछूं बेटा, जुड़ जाएगा करण से प्यार करती है ना? ये सफर जाने ले आया किधर ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चू दिल नहीं मेरा है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर माना दिल दाही मेरा है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर नहीं बेटा, मुझे पता है आप खुद भी क्या फील कर रहे होंगे बेटा, कितना दुख हो रहा होगा ना आपको। आपके दुख में कम तो नहीं कर सकता हूं, पर जिस तरीके से मैंने आपके दोपहर को बात की उसके लिए सॉरी बोल सकता हूं बेटा। गलती थी, हर बात को कहने का एक खाद होती है, एक तरीका होता है, और मैं उसको भूल गया था। डैड आई एम सॉरी। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी थी ना डैड, मैं डैड आपको पता है प्रीता जी करण का प्यार है, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसे शादी करूंगा? डैड इट्स नॉट पॉसिबल। प्रीता जी करण का प्यार है ना? प्यार तो तू अपने होने वाले बच्चे से भी करती है ना करती है ना बेटा, मुझे पता है जिंदगी जीना कोई आसान काम नहीं, और अकेले जीना और भी मुश्किल है। लेकिन मैं अकेले जी लूंगी। नहीं बेटा, मैंने बहुत नजदीक से तेरी माँ को अकेले जिंदगी काटते देखा है, और जैसी जिंदगी उसने जी भगवान ना करे कि कोई चीज पल पल पे मुश्किल थी। गली के प्रधान से लेकर झाड़ू लगाने वाले तक की उस पर नजर होती थी। जब घर से निकलती थी ना तो हाथ में खंजर लेके चलती थी। ये दुनिया बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है,
लोग बदल गए। ये सच नहीं है बेटा, आज भी लोग वैसे ही हैं, वैसे ही करते, और यही हकीकत है। मैं भी मेरी माँ की तरह खंजर उठा लूंगी दादी। मुझे नहीं चलेगा ठाट, मुझे नहीं चलेगा। मैंने एक बार मना कर दिया तो मतलब कर दिया, प्लीज लोग आप लोग मुझे फोर्स मत करो। मेरे करण की जगह कोई ले नहीं सकता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे दिल में इज्जत है प्रीता जी के लिए, कि मेरी आंखों में वो मेरे पगलू की पत्नी है। ये नहीं होगा डैड, मुझसे नहीं होगा डैड। ऋषभ तो तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। हाँ देख पुत्र, तू ना इस घर का बड़ा बेटा है, मेरा करण तो अब रहा नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तुझे ही सबको संभालना पुत्र, इस परिवार को सबको तुमने ही संभालना, अपनी जिम्मेदारियों से मत हटना पुत्र, निभा दे। दादू मैं कब भागा अपनी जिम्मेदारियों से? अब जो मुझे बोल रही हैं आपको पता है ना, मैं आज तक कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा और ना ही भागूंगा। ये घर, ये परिवार, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा दादू, लेकिन उसके लिए मुझे प्रीता जी से शादी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पुत्र? सुन मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे पूर्वजों ने कुछ रस्में बनाई थी, ऐसे ही नहीं बनाई थी, उनके पीछे कोई ना कोई वजह रही है। ये शादी ब्याह ये सब उन्होंने ही बनाया, और इन सब रस्मों के साथ एक और रस्म बनाई जिसका नाम है चादर चढ़ाना। पुत्र तू ऐसे मत सोचना कि ये रस्म पहली बार निभाई जा रही है, ये तो रीति रिवाज है, पहले भी होते थे आज भी होते हैं। जब घर का एक बेटा चला जाता है तो बहू विधवा इतनी बड़ी जिंदगी वो अकेली कैसे काटेगी, इसलिए घर का बड़ा बेटा विधवा बहू पे चादर चढ़ाता है ताकि बाहर के लोग घर पे पत्थर ना फेंके। तू तो जानती है ना पुत्र, कुंवारी बेटी की इज्जत बड़ी नाजुक होती है और विधवा बहू की इज्जत कांच जैसी होती है, कंकर से भी टूट जाती है। इसलिए कह रही हूं मेरी बात मान ले, अपने लिए ना सही अपने होने वाले बच्चे के लिए सोच, उसके लिए हाँ कहते पुत्र। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू ये मत समझ के एक सास होने के नाते मैं तुझसे बात कर रही हूँ, एक माँ होने के नाते तुझे बोल रही हूँ। राखी माँ प्लीज ऐसे मत कहिए ना, आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरी जिंदगी में करण की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। अरे तो बेटा कौन कह रहा है कि कोई करण की जगह लेगा, उसको याद कर, उसकी यादों के साथ है। और वैसे भी तुझे पता है तेरा और ऋषभ का ये जो बंधन है ये दो जनों का नहीं, इस परिवार के साथ भी है। बेटे इन लोगों को बहुत दुख मिला है, उस दुख को थोड़ा सा तो कम कर दे। एक बात कहूं पुत्र, करण और ऋषभ मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। एक बार वो महेशी के बिना रह लेंगे, लेकिन मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जब उन पे कोई मुसीबत आती है या फिर उन्हें कोई परेशानी होती है तो मुझे कभी नहीं बताते, माँ हूं ना, उन्हें लगता है कि मेरा दिल टूट जाएगा, तब उन्हें एक पिता की जरूरत होती है, क्योंकि पिता से बच्चों को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, हिम्मत मिलती है।
अपने लिए ना सही, इस नन्ही सी जान के लिए सोच। जब वो बड़ा होगा अपने पिता के बारे में पूछेगा, क्या जवाब देगी तू? क्या उसे एक पिता के प्यार से महरूम रखेगी? प्रीता, इस दुनिया में सारे बच्चों को पिता का प्यार मिलता है, तो क्या मेरे करण के बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिलेगा? तू उसे एक बाप का सुख नहीं देगी? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तू जी लेगी, लेकिन तेरे बच्चे को पिता का प्यार चाहिए, और वो प्यार ऋषभ दे सकता है उसे। प्लीज प्रीता, करण की जगह कोई नहीं ले सकता, ये मैं जानती हूँ, लेकिन उस नन्ही सी जान के बारे में सोच पुत्र। मेरी बात मान ले, प्लीज मेरी बात मान ले। बोल, हाँ बोल। <laughs>